कि हमारे देश में आजकल एप्पल को लेकर बड़ा क्रेज है। एप्पल वो खाने वाला नहीं जिसको लेकर आज की तारीख में लोग फ़ोन पर बात करते नज़र आते हैं, और वो फ़ोन खरीदने के लिए वो दीवानगी हमने दुनिया के कई देशों के साथ अपने देश में भी महसूस किया है। लेकिन एप्पल का चमचमाता हुआ आईफोन खरीदना एक सपने जैसा होता है। हर कोई चाहता है कि एप्पल का प्रोडक्ट उसके हाथ में हो। एप्पल के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम सब इतने क्रेजी हैं कि फ्लिपकार्ट और जो दूसरे अमेजन जैसे वेबसाइट्स है वहाँ पर साल भर इंतज़ार करते हैं, ऑफर का इंतज़ार करते हैं ताकि एप्पल का प्रोडक्ट सस्ता हो और मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसे खरीदा जाए, खासकर आईफोन को। आज के समय में एप्पल का आईफोन एक स्टेटस सिंबल है। भारत में एप्पल प्रोडक्ट का क्रेज़ हर दिन बढ़ रहा है, और इसी क्रेज़ को देखते हुए एप्पल कंपनी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड मॉल में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है। फिर से एक लाइन दोहरा रहा हूँ, एप्पल ने अपना पहला, भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोला है। यानी अब से पहले तक भारत में एप्पल का एक भी रिटेल स्टोर नहीं था, और इस स्टोर को एप्पल BKC नाम दिया गया है। भारत में एप्पल का पहला रिटेल स्टोर क्यों खास होगा, इसकी एक झलक मीडिया को दिखाई गई। आम पब्लिक के लिए इस स्टोर के दरवाजे कल से खुलेंगे, लेकिन DNA में आपके लिए देश के पहले एप्पल स्टोर के दरवाजे आज ही खुल रहे हैं, और हम आपको मुंबई में कल खुलने वाले एप्पल स्टोर में आज ही लेकर चल रहे हैं। फाइनली एप्पल ने दस्तक दे दी है हिंदुस्तान में, और पहला ऑफिशियल स्टोर लेके आया है वो मुंबई के BKC में। जी हाँ, ये है मुंबई का BKC एप्पल स्टोर, और यहाँ पे हम अंदर जाने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या है इसमें खास ऐसा जो कि एप्पल ने इसको अलग बनाया है बाकी कंट्री से, और आपको हम दिखाएंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर की। तो चलिए आइए मेरे साथ अंदर। तो जैसे ही आप अंदर चलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर काफी बड़ा और काफी अच्छा बनाया गया है वेलकम के लिए। आपको कुछ यहाँ पे एम्प्लॉयज भी मिलेंगे, और साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे, ये देखिए, ये है स्टेयर्स जो कि काफी लंबा है, और एक ही शीशे का पूरा कटआउट बना के इतनी लंबी सीढ़ियों के साथ में इसको सपोर्ट किया गया है। यहाँ पे आपको एप्पल के एम्प्लॉयज मिलेंगे जो कि आपको एजुकेट करने में मदद करेंगे। सबसे अच्छी बात जो एप्पल स्टोर में होती है वो कि आपको हार्ड सेल नहीं किया जाता कोई भी प्रोडक्ट। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो आपको आपके साथ रिलेशंस बनाते हैं रादर देन कि आपको वो कोई भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि एप्पल के साथ सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर बनाया गया है, ऊपर टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेमो जोन के साथ साथ यहाँ पे एप्पल ने एक अपना छोटा सा मिनी स्टेज भी बनाया गया है जो कि एप्पल अपना एक प्रोग्राम यहाँ पे यूज़ करेगा जिसको कहते हैं टुडे एट एप्पल। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक लगाया गया है, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अनकन्वेंशनल म्यूज़िक इस्तेमाल किया गया, बहुत रेट्रो लुक दी गई है पूरे म्यूज़िक के दौरान, मुंबई की जो वाइब है वो मैच करने के लिए ऐसे सॉन्ग्स लगाए जाते हैं यहाँ पे, जिससे कि जो भी यहाँ पे आए उसको पसंद आए कि आखिर में मुंबई वाला फील आए यहाँ पे कि हाँ हम मुंबई के ऑफिशियल स्टोर में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक आईमैक रखे गए हैं, पूरा का पूरा आपको इकोसिस्टम यहाँ पे मिल सकता है, और अगर आप आईफोन के लिए केसेस लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे तरह तरह के हर एक फ़ोन आईफोन मॉडल के आपको केसेस मिल जाएंगे। द सेम गोज फॉर एप्पल वॉच एज वेल, उसमें भी आपको काफ़ी सारी अलग अलग बैंड्स मिल जाएंगे, एंड ये देखिए आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का आपको एप्पल की एक्सेसरीज चाहिए तो यहाँ पे पूरा एक स्टोर बनाया गया है। यहाँ पे आपको एयरपोर्ट मैक्स मिल सकते हैं, जिस भी कलर में आप लेना चाहें आप ये ले सकते हैं, एंड देन ऑफकोर्स आपको TWS, आपको पता ही है एयरपोड्स प्रो, एयरपोड्स की सीरीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और लोगों को पसंद आती है, वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल है। और ये देखिए आप वॉचेस यहाँ पे दी गई हैं, साथ में आपको मैं अब ऊपर लेके चलूँगा, काफ़ी स्मार्टली पूरे इसको बनाया गया है, ये स्टोर काफ़ी बड़ा है,
और काफी ज्यादा अभी हालांकि सिर्फ मीडिया के लिए ही खोला गया है, एक्सक्लूसिव पिक्चर्स आपको मिल रही हैं, लेकिन एप्पल का कहना है कि बहुत जल्दी यहाँ पे 5000 फुटफॉल इजीली देखने को मिलेगा। अब हम आ चुके हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, एप्पल स्टोर के अंदर एक आर्केड का एक छोटा सा एक डेमो यहाँ पे बनाया गया है। ये बेसिक काफ़ी पॉपुलर एप्पल आर्केड पे गेम्स हैं और उसी के फॉर एग्जांपल एंग्री बर्ड है, इसको अगर मैं हल्का सा पुश करूँगा तो आपको यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपको एक गेम का डेमो देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी एंगेजिंग तरीके से पूरा बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी एक्सेसरीज हैं, लाइटनिंग पोर्ट से लेके आपको मैजिक कीबोर्ड विद टच आईडी और सब कुछ मिल जाएगा, मैजिक माउस है यहाँ पे, बैटरी पैक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं होम पोर्ट के लिए भी आपको यहाँ पे सारे के सारे कलर्स में और सारे वेरियंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एप्पल म्यूजिक के लिए यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया एयरपोर्ट मैक्स है यहाँ पे, साथ में अगर आप आईपैड के लिए लेना चाहते हैं यहाँ पे इसके कवर्स एक्सेसरीज एयर टैग्स के आपको अगर कवर्स चाहिए तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये है अपर फ्लोर और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का और आपको अंदाज़ा लगेगा कि आखिर ये कितना बड़ा और कितना अच्छा एप्पल का ऑफिशियल स्टोर है, पहला हिंदुस्तान के अंदर। अब इसके बाद एप्पल सेकेंड स्टोर खोलने जा रहा है, वो खोलेगा दिल्ली में और दिल्ली में 20th of April को एप्पल खोलने जा रहा है, मुंबई में 18 अप्रैल को खुलने जा रहा है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ये एप्पल स्टोर आना बिल्कुल ना भूलिएगा। दिनेश देव शर्मा, जी मीटर। इस स्टोर में आईफोन हो या एप्पल का कोई भी दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ हर चीज़ कुछ खास कुछ हट कर भी, और इस स्टोर में ग्राहकों को ठीक वैसा ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है, यानी अनुभव मिलने वाला है जैसा विदेश के एप्पल स्टोर में मिलता है। मुंबई का एप्पल स्टोर दुनिया के सबसे एनर्जी एफिशिएंट एप्पल स्टोर में से एक है और ये एप्पल स्टोर सोलर एनर्जी से चलेगा और इसके लिए कंपनी ने सोलर पैनल्स का भी इस्तेमाल किया है। स्टोर ऑपरेशन के लिए फॉसिल फ्यूल का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस एप्पल स्टोर में 100 कर्मचारी हैं जो 20 भाषाओं में ग्राहकों से बात कर सकते हैं। एप्पल स्टोर में पिकअप सर्विस भी दी जाएगी, यानी ग्राहक घर से ही प्रोडक्ट सेलेक्ट कर अपने ऑर्डर को दे सकता है। फोन आपको एप्पल स्टोर पर ही जाकर लेना होगा। स्टोर में आने वाले ग्राहकों का एप्पल ग्रीटिंग हेलो मुंबई के साथ स्वागत किया जाएगा। आईफोन और एप्पल के प्रोडक्ट्स को लेकर भारतीयों की दीवानगी जग जाहिर है और इसी वजह से एप्पल ने भारत में इसी दीवानगी को कैश करने के लिए पहला रिटेल स्टोर खोला है और भारत में फोन का एक बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे देश में एप्पल के क्रेज को इसी तरह से समझा जा सकता है कि भारत में 30,000 रुपए से ऊपर के फोन के मामले में एप्पल सबसे ऊपर है। वर्ष 2023 में एप्पल ने भारत में 50,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोडक्ट बेचे हैं और लगभग $5.5 billion यानी कि 45,000 करोड़ के एप्पल आईफोन भारत में बनकर दूसरे देशों में भेजे गए हैं। दूसरे नंबर पर सैमसंग है जिन्होंने 4 billion यानी कि 42,800 करोड़ के फोन भारत में बनाकर दूसरे देशों में बेचे हैं। वर्ष 2025 तक एप्पल ने एक लक्ष्य रखा है कि पूरी दुनिया में बिकने वाले 25% आईफोन भारत में बनकर दूसरे देशों में जाएंगे, यानी ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी 25% होगी। जबकि एप्पल का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक दुनिया के 50% आईफोन मेड इन इंडिया होंगे, मेड इन चाइना जो आप देखते थे वो नहीं, मेड इन इंडिया होंगे। और भारत में आईफोन की बिक्री से रेवेन्यू रिकॉर्ड लेवल पर भी पहुंच गया है। भारत में कंपनी के हर तिमाही में दोहरे अंकों की ग्रोथ दिख रही है जो इस बात का सबूत है कि इस प्रोडक्ट पर भारतीय ग्राहक आंख मूंद कर विश्वास कर रहे हैं। एप्पल कंपनी चीन पर निर्भरता कम कर रही है और दूसरी तरफ भारत में सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। मेक इन इंडिया अभियान से जुड़कर कंपनी अपने पार्टनर्स फॉक्कॉन, पेंटाट्रॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन के साथ मिलकर भारत में प्रोडक्शन बढ़ा रही है, जिसका भारत को फायदा और चीन को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। भारत में करीब 60,000 कर्मचारियों के साथ कंपनी आईफोन 11 से लेकर आईफोन 14 तक बना रही है और देश में लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने से आईफोन मॉडल्स की कीमत में कमी भी आई है, जिसका सीधा सीधा फायदा ग्राहकों को हुआ है, यानी ग्राहकों को इसका फायदा मिला है। Z News.